एक महिला का दुर्घटना में निधन के बाद सिविल अस्पताल के सामने उसका शव रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ये लोग उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन को समर्थन देने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष व मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह भी पहुंचे। 30 सितंबर को सिविल अस्पताल में वाटर कूलर के पास महिला पानी ले रही थी। इस दौरान अस्पताल में निर्माण कार्य के दौरान महिला के ऊपर ईंट गिर गई थी। इलाज के बाद महिला को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया, जहां उपचार के दौरान रीवा में महिला ने दम तोड़ दिया, जिसे नाराज परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे शव रखकर प्रदर्शन किया है और मुआवजे की मांग की। महिला के परिजन निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस पर FIR पहले ही पुलिस कर चुकी है। इस दौरान वैश्य परिषद के लोगों ने रामकली गुप्ता की मृत्यु होने पर 20 लाख की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी लगते ही पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष व मध्य प्रदेश कांग्रेस वचन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह पहुंचे और पीड़ित परिवार का समर्थन किया व मुआवजे की मांग की। ये बड़ी अत्यंत दुखद घटना है। वो परिवार तो पूरी तरह से टूट गया। वही महिला घर चलाती थी, मुखिया थी एक तरह से परिवार की। अब ये कारण क्या है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख ही रहे हो। एक तो सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। हमारी मांग है, सबकी मांग है, जितने आए हैं समाज के लोग भी हैं, हम भी, हमारे बस्ती का मामला है, हम भी इस दुख में शरीक हैं आप पूरी तरह से, कि इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, 20 लाख रुपए कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए। सभी को मालूम है कि उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, और ये जो मृत्यु हुई है, यहाँ के जो हॉस्पिटल प्रशासन है, जो भी यहाँ प्रशासन के लोग हैं और जो भी यहाँ ठेकेदार जो यहाँ का काम चल रहा था, उनकी घोर लापरवाही की वजह से ये मृत्यु हुई है। और हम लोग पूरे वैश्य समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब तक उस रामकली गुप्ता जी को न्याय नहीं मिलेगा, उसको हमारे जो परिवार जो उनको उनकी मांग है कि उनको 20 लाख रुपए यहाँ पर मिलना चाहिए। और भलन पोषण, वही महिला ही सब कुछ थी उस भलन पोषण मामले में उस परिवार के लिए। तो हमारा पूरा समाज जो है पूरा इस घटना से आंदोलित है और जिला प्रशासन शासन से मांग करता है कि जब तक ठेकेदार खिलाफ FIR 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता और 20 लाख का मुआवजा इनको नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। SDM आरती यादव मौके पर पहुंची, जहां परिजनों का मांग पत्र लिया गया व मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। SDM आरती यादव व थाना प्रभारी आदित्य सेन की समझाइश व 1 लाख की सहयोग राशि देने के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। देखिए, आज से 4-5 दिन पहले 30 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक ईंट ऊपर से गिर गई थी कंस्ट्रक्शन के कारण, और उस महिला की आज डेथ हो गई। तो कुछ परिवारजन उनकी डेथ बॉडी लेकर बैठे थे, और उनकी जो मांगे हैं उसमें से हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, और प्राइमर फेसिया लीगल एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कर ली गई है। और FIR के बाद हमने तात्कालिक रूप से उन्हें अभी 1 लाख सहायता राशि के रूप में भी दिया है, और उनकी संवेदनाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। साथ ही हम इस पे एक लीगल एक्शन लेकर यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।